हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट के बारे में, जिसे हम IVM भी कहते हैं। NVBDCP यानी नेशनल वेक्टर बोर्ड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एम्स टू अचीव इफेक्टिव वेक्टर कंट्रोल बाय अप्रोप्रिएट बायोलॉजिकल, केमिकल एंड इन्वायरमेंटल इंटरवेंशंस ऑफ प्रोवेन एफिकेसी सेपरेटली और इन कॉम्बिनेशन एज अप्रोप्रिएट टू द एरिया थ्रू ऑप्टिमल रिसोर्सेस। इंटीग्रेशन ऑफ IVM इज डन बाई आइडेंटिकल वेक्टर कंट्रोल मेजर टू कंट्रोल मलेरिया और लेशमेनियासिस रूरल एरियाज में, मलेरिया और डेंगू अर्बन एरियाज में, ताकि कॉस्ट इफेक्टिवनेस अचीव हो सके। मेजर्स ऑफ वेक्टर कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन इंक्लूड मेजर टू कंट्रोल अडल्ट मॉस्किटोइज, इंडोर रेसिडुअल स्प्रे, एंटी लार्वल मेजर्स के लिए केमिकल, बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल। पर्सनल प्रोटेक्शन की बात करें तो यूज ऑफ बेड नेट्स इंक्लूडिंग इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम करेंटली IRS को यूज़ कर रहा है एज अ प्राइमरी मेथड फॉर वेक्टर कंट्रोल इन रूरल एरियाज। एंटी लार्वल मेजर्स को यूज़ कर रहा है अर्बन एरियाज में, और इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स को इस प्रोग्राम के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया है। हाई रिस्क एरियाज और पॉपुलेशन को हर साल रीडिफाइन किया जाएगा। जो पॉपुलेशन API यानी एनुअल पैरासिटिक इंडेक्स 5 या उससे ज़्यादा में है, उसे प्लान टू बी कवर्ड बाय LLINS यानी लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स के द्वारा किया जाएगा। और जो पॉपुलेशन एंडेमिक एरियाज में रह रही है जिसकी API 2 या उससे अधिक है, उसको कन्वेंशनल नेट ट्रीटेड विद इंसेक्टिसाइड और IRS यानी इंडोर रेसिडुअल स्प्रे के द्वारा कवर किया जाएगा। कन्वेंशनल नेट्स ट्रीटेड विद इंसेक्टिसाइड विल बी कंटिन्यू टू यूज इन एरियाज रजिस्टरिंग API 225। DDT इज इंसेक्टिसाइड ऑफ चॉइस, लेकिन उन एरियाज में जहाँ पे रेजिस्टेंस टू पायरेथ्रॉइड्स शो किया गया है। अल्टरनेटिव है मेलाथियोन और सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स। दो राउंड ऑफ स्प्रेइंग किया जाता है DDT और सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स के लिए टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग एंटायर ट्रांसमिशन सीजन। और मेलाथियोन की केस की बात करें तो उसमें 3 राउंड ऑफ स्प्रेइंग होता है। About 60% of high risk areas are targeted under IRS are under coverage with DDT। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर